अज का प्रोटेस्ट आप NPS के झंडे हेठ स्टेट बॉडी वालों जो एक्शन लिखा गया ही वो तहत आप सरकार की अर्थी फूकी है। ये आप पुरानी पेंशन स्कीम बहाल कराने लिए एक्शन जिहड़ा किया गया मजबूर होकर मुलाजमान वालों ये सारिया ही जत्थेबंदियां 2004 तो बाद जिहड़ा भी इंप्लाई लगा होया जिहड़ा केडर क्लास 1 क्लास 2 क्लास 3 क्लास 4 हर केडर इकट्ठा हो के अपनी पुरानी पेंशन स्कीम बहाल कराने लिए लड़ रहा है। ये एक्शन इस करके किया गया कि अभी पुरानी पेंशन स्कीम बहाल की जाए कि पहला भी पंजाब सरकार ने सानू मैं दस्या कि लोलीपॉप दिता हुआ कमेटी बना के जे सरकार साड़ी एको एक मंग नहीं मनती आपां ते बार बार कह रहे हैं कि जां ते फिर साड़ी पेंशन भी लगा दो या अपनी बंद कर दो क्योंकि MLA जिनी वारी एक बारी MLA बनता जो 5 वारी MLA बनता तो उन्हें 5 पेंशन लगदियाँ तो मुलाजम 58 साल की नौकरी करके अपने घर बह जाता उन्होंने एक पेंशन भी नहीं तो जे सरकार साड़ी मंगा नहीं मनदियाँ तो फिर 2022 के इलेक्शन के हिसाब लाने कि मुलाजम करेगा की। अज का जो ये एक्शन आ नैशनल पेंशन स्कीम इंप्लाई यूनियन बैनर हेठ किया जा रहा वा पूरे पंजाब विच पंजाब सरकार की जिहड़ी अर्थी फूकी जा रही आ इस तों पहलों तहसील पद्धर ते अर्थी फूकी गई आ इत्थों असीं पंजाब सरकार नूं चेतावनी देना चाहुंदे आ कि जेकर पंजाब सरकार ने साडियां मंगां ना मनियां तां आउण वाले समें विच जिहड़ा ये संघर्ष वा नैशनल पेंशन स्कीम इंप्लाई यूनियन दे बैनर हेठ होर तिखा होवेगा और इहदा जिहड़ा खामियाजा वा वह पंजाब की जिहड़ी सरकार उहनूं भुगतना पवेगा। आने वाली विधानसभा चोणों में असी ये मंग करते हैं कि जिहड़ी सरकार वा पंजाब सरकार समय की नब्ज नूं पछाणे ते सारे मुलाजमान 2004 तो जिहड़े भर्ती बाद वा उन्हां ते नवीं पेंशन स्कीम रद्द करके पुरानी पेंशन स्कीम बहाल करे। आने वाले समय के आपां जिहड़े होर जिहड़े एक्शन इत्थों जिहड़े तिखे एक्शन करांगे जिहड़े स्टेट लैवल का एक्शन होगा साडा जां होर भी एक्शन जिहड़े आपां इत्थों जबरदस्त एक्शन करांगे। हक ते सच दी खबर लई लाइक ते सब्सक्राइब करो पंजाब दा नंबर 1 डिजिटल न्यूज़ चैनल द फैक्ट न्यूज़।